हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं करेक्ट द सेंटेंस के बारे में। एग्जाम में देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आई लिव हियर सिंस 2015। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो वर्ब है लिव, इसको ब्रैकेट में रखा गया है और यहां पर डायरेक्शन आपसे पूछा गया है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यानी ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है इसको आपको करेक्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है और सेंटेंस को रीराइट यानी पुनः लिखना है। या फिर कभी कभी ये वर्ब जो है वो ब्रैकेट में नहीं भी रहती है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है, करेक्ट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को करेक्ट करना है और उसको पुनः लिखना है। अब इसको हम कैसे पहचान करेंगे और कैसे इसको सोल्व करेंगे ताकि ये सेंटेंस हमारा जो है करेक्ट फॉर्म में आ जाए। अब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनमें आप देखेंगे सिंस और फॉर, ये दो प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं सिंस और फॉर। ये सिंस और फॉर इस बात की पहचान होते हैं कि ये जो दिया गया आपका सेंटेंस है ये या तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इन तीनों टेंस में सिंस और फॉर प्रीपोजिशन का यूज टाइम को बताने के लिए किया जाता है। अब यहां पर हमें जो सेंटेंस है सबसे पहले इसकी पहचान करनी होगी कि यहाँ पर सिंस फॉर लगा हुआ है, तो एक चीज से आप कंफर्म हो जाए कि ये जो सेंटेंस है करेक्ट तभी होगा जब इस सेंटेंस के अंदर आप हैज बीन का यूज करेंगे या फिर हैव बीन का यूज करेंगे या फिर हैड बीन का यूज करेंगे। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। तो आपको अभी तय करना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो हम इस सेंटेंस के टाइम को चेक करते हैं। देखिए आई लिव, लिव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो जनरली वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है। तो यहां पर लिव को हम मानेंगे प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म में आ गया इसलिए इसको हम प्रायोरिटी देंगे कि ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इसको करेक्ट करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जब करेक्ट इसको करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा आई, आई के साथ हमें पता होना चाहिए कि आई बी यू दे और प्लुरल नंबर के साथ हैव बीन का यूज करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का यूज करते हैं। तो आई के साथ हमें यूज करना होगा हैव बीन का, तो हम यहां पर यूज करेंगे हैव बीन। जब हम हैज बीन या हैड बीन का यूज करते हैं तो जो भी वर्ब सेंटेंस में मौजूद होती है उस वर्ब में नियम के हिसाब से हमें आईएनजी लगाना होता है, क्योंकि ऐसी वर्ब जिनके आखिरी में ई होता है तो उस ई को हटा करके आईएनजी लगाना होता है। तो हम इसको कर देंगे लिविंग हियर, और जो भी यहां पर प्रीपोजिशन वर्ड हैं उनको बिना किसी चेंज के आपको करना है। तो हम कहेंगे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, ये सेंटेंस का आपका आंसर होगा। अब मान लीजिए कि अगर यही क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में इस प्रकार से आ जाता है, I lived here since 2015। तो लिव की जो पास्ट फॉर्म होती है वो लिव्ड होती है, मतलब ये पास्ट टेंस में हुआ, पास्ट टेंस में होने के कारण इसमें आपको यूज करना होगा हैड बीन का। तो चूंकि हैड बीन एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है कि सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर सभी के साथ में हैड बीन का यूज करते हैं, तो आपको यहां कहना होगा आई हैड बीन। हैड बीन के बाद भी याद रखना होगा कि वर्ब में आईएनजी यूज करना पड़ता है, तो हम यहां भी लिविंग यूज करेंगे, I had been living here since 2015, यह आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, We play cricket for 2 hours। अब देखिए सेंटेंस में पहचान करेंगे कि फोर लगा हुआ है। अब फोर और सेंस के बारे में अपन ने बात की, इससे पहचान पता चलती है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले यहां पर दी है, इसका मतलब यह है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां पर हमें प्रेजेंट टेंस में होने के कारण हैज बीन और हैव बीन में से कोई एक वर्ब को चूज करना है। क्योंकि वी के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं तो यहां पर हमें यूज करना होगा वी हैव बीन। जब हैव बीन का यूज करेंगे तो जो वर्ब है उसमें हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, प्लेइंग कहेंगे क्रिकेट फॉर 2 hours, जो भी टाइम दिया है उस टाइम को लिख देंगे 2 hours, ये हमारा टाइम हो गया फॉर 2 hours। तो कंप्लीट आंसर होगा वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब इसी सेंटेंस में देखें आप कि वी प्लेड क्रिकेट फॉर 2 hours, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। मान लो इसके आगे लिखा हुआ है, मान लीजिए करेक्ट द सेंटेंस लिख देते हैं कभी कभी, कभी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करने के लिए कहा जाता है, तो आपको यहां करना होगा वी
अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म से आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में होने के कारण यहां पर हमें जो वर्ब लगानी है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब लगानी है, जो कि है हैड बीन। और हैड बीन के बाद भी जो वर्ब आएगी उसमें मैं आएंगी लगाना पड़ेगा, और इसके बाद हम लिख देंगे फोर टू आर, जो भी टाइम दिया है उसको यहां पर कंटिन्यू कर देंगे। सो आंसर हमारा होगा वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू आवर्स। प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट भी है क्रिकेट, तो इसको भी लिखना है वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर टू आवर्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया ही इज बिजी फॉर फाइव डेज। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है बल्कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि सेंटेंस के अंदर आपको टाइम वाला वर्ड दिया है, सिंस या फॉर में से कुछ भी हो सकता है, तो फॉर दिया है क्योंकि यहां पर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए जो है उसके साथ में फॉर का यूज करते हैं। तो फोर फाइव डेज से पता चल रहा है कि ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन किस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये पता चलेगा इस वर्ब से इज। अब आपको मालूम है कि इज एम आर तीनों वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती हैं, तो इसको प्रेजेंट टेंस का मान करके ही आपको यहां पर हैज बीन और हैव बीन में से कोई एक वर्ब चूज करनी पड़ेगी। अब यहां पर चूंकि सब्जेक्ट है आपका ही, और ही के साथ हमें यूज करना पड़ता है हैज बीन का, तो हम यहाँ हैज बीन यूज करेंगे। चूंकि यहाँ कोई मैन वर्ब नहीं है तो अपन जो वर्ड दिया है बिजी वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव शब्दों में आएंगी लगाते नहीं है। कोई मैन वर्ब होती है तो उसमें हम जरूर आएंगी लगाते हैं, लेकिन एडजेक्टिव वर्ड है तो इसमें आएंगी की आवश्यकता नहीं है। ये होगा ही हैज बीन बिजी, और टाइम वाला वर्ड है फॉर फाइव डेज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, देवर इन भोपाल सिंस दिसंबर, दिसंबर से भोपाल में थे, अपन ऐसा बताना चाह रहे हैं। यहां पर इस वर्ब से बोझ और बढ़ से ये समझ में आता है कि ये पास्ट टेंस है, और सेंस से ये समझ में आ जाता है कि ये कोई ना कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये पता चलता है इस टाइम से, क्योंकि वोज वर्ग का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है, तो हमें इस वर्ग के प्लेस पर जो है हैड बीन का यूज करना होगा, हमें कहना होगा दे हैड बीन। अब चूंकि इन जो है एक प्रिपरेशन वर्ड है तो इसमें आईएनजी तो लगेगा नहीं, अगर कोई मैन वर्ब होती गो प्ले कम सिंग तो उसमें हम आईएनजी वर्ब का यूज करते, बट हैड बीन के बाद एक प्रिपरेशन वर्ड है इसलिए इसमें बिना किसी चेंज के लिखना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा दे हैड बीन इन भोपाल सिंस दिसंबर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, शी रीड्स अ नॉवेल फॉर फाइव डेज। मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाता है कि चेंज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या करेक्ट द सेंटेंस करने के लिए कहा जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ मेन वर्ब में एस लगा हुआ है और सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर नंबर है, इससे समझ में आ रहा है कि दिया गया सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है। अब चूंकि यहाँ फोर लगा हुआ है इससे पहचान में आ गया कि ये जो है टाइम कनेक्टिंग वर्ड है, और यहाँ पर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा शी है तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा हैज बीन। जब हैज बीन का यूज करेंगे तो जो भी वर्ब रहेगी उसमें हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, रीड है तो रीड में हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, एस हटा करके आईएनजी लगाएंगे क्योंकि ये वर्ब का मूल फॉर्म नहीं है। अगर मूल फॉर्म होता, ओरिजिनल फॉर्म होता तो डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन अलग से किसी वर्ब में एस लगा हो, ईएस लगा हो, आईएस लगा हो, या वर्ब की वो सेकेंड फॉर्म हो, तो उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसको ले जाते हुए फिर हमें आईएनजी लगाना होता है, तो हम इसको कहेंगे शी हैज बीन रीडिंग, और इसके बाद फिर ये कंटिन्यू कर देंगे शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर फाइव डेज। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, She read a novel for five days. अब यहां पर देखिए she के बाद में यहां पर वर्ब में s लगा हुआ था, इससे समझ में आ रहा था कि ये प्रेजेंट टेंस है, बट यहां पर जो है रीड जो शब्द लिखा हुआ है एक्चुअली रीड नहीं है बल्कि ये क्या है रेड है। समझ में कैसे आया कि ये रेड है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जो कि हम पास्ट वर्ब के नाम से भी जिसको जानते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये। कैसे पता चला कि ये जो शब्द रीड लिखा हुआ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि यहां पर आपका सब्जेक्ट शी जो है वो सिंगुलर नंबर है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो हमें नियम के अनुसार मेन वर्ब में यहां पर एस लगाना होता, लेकिन एस नहीं लगा है, इसका मतलब है कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि रीड की सेकेंड फॉर्म रेड का यहां पर यूज किया गया है। यहां पर ये ध्यान देना है बच्चों कि जो रीड शब्द होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, और रेड शब्द जो होता है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसका जो प्रोनंसिएशन है वो रेड हो जाता है। लेकिन ये तो ठीक है, प्रोनंसिएशन की बात है, हमारा जो मेन काम है यहाँ पर वो ये है करेक्ट द सेंटेंस। तो हमें यहाँ पर टाइम लगने से ये पता चला कि ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म से ये पता चला कि ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर हम शी
हेड बीन के बारे में एक चीज पता ही है आपको कि ये सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर सभी के साथ यूज होता है। अब चूंकि हेड बीन का यूज कर दिया अपन ने तो जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म है हालांकि, लेकिन अब उसकी स्पेलिंग सेम है तो हम रीड में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग और कंटिन्यू इसके बाद में अ नोवेल फॉर 5 डेज। सो इस प्रकार से बच्चों बहुत आसानी से हम जो है करेक्ट द सेंटेंस वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी कभी ये राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट के नाम से भी क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में आ गई होगी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप बड़े आसानी से हल कर देंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।